हेलो तो स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर स्टोरी वीडियो में। लाइक मुझे पता है तुम लोग इसी का वेट करते रहते हो एंड हमेशा की तरह ये वाली स्टोरी भी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो यार देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज हम लोग सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसका मेन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तुम लोग जाओ एंड उधर भी सपोर्ट करो। ओके तो ये बंदी आरोही को मैसेज कर रही है, वो भी सुबह सुबह, और बहन जिंदा है या निपट ली कल रात को। एंड इस पे आरोही लिखती है, जिंदा हूँ यार, उस नेहा ने मुझे पागल बना दिया, उसका वो हाइड एंड सीक वाला गेम बिल्कुल फेक निकला। और ये वो गेम खेल रहे थे, वो तो मुझे पहले से पता था, तुझे सच में लगा था कि नमक मिर्च से तू रियल डायमंड समन कर लेगी। व्हाट, छोटी बच्ची हो क्या? हा हा भाई आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, नमक मिर्च, मैं तो दूर रहता हूँ सही चीजों से। एंड इस पे आरोही लिखती है, अरे तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, तुम भी यहाँ होती तो सही रहता। एंड उस पे ये बंदी लिखती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने में। क्यों, डर लगता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे जैसी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ। बाय द वे ये हाइड एंड सीक गेम खेला कैसे जाता है? ओके तो उस पे आरोही लिखती है, जब तुम्हें बिलीव ही नहीं है तो पूछ क्यों रही हो, ऑब्वियसली भाई। एंड उस पे ये बंदी लिखती है, ऐसे ही पता करना है कि पागल लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं। आरोही, अच्छा सुनो मैं बताती हूँ। ओ व्हाट, अभी इसको बताएगी एंड ये ट्राई ना करे बस। क्या हुआ, कहाँ चली गई, इतना टाइम लग रहा है बोलने में। आरोही, कुछ नहीं, थोड़ी ठंड सी लग रही है तो स्वेटर पहन रही थी। एंड उस पे ये बंदी लिखती है, अरे अब तो ठंड खत्म हो गई है मैडम, तू अभी भी स्वेटर पहनती है, लाफिंग इमोजी। लाइक देखो इतनी स्टोरी सुन के मुझे वियर्ड सा तो लगा है। लाइक वो तुमने ऐसा नींबू मिर्ची वाला वो देखा होगा, लेकिन उससे डीमन समन करने का ट्राई कर रहे थे और दूसरी दुनिया के लोगों से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे थे। व्हाट द हेल भाई, ये चीज ही क्रीपी है। अब मेरे को नहीं पता आए क्या होगा, वो स्टोरी देख के ही पता लगेगा। लेट्स सी। आरोही, अरे नहीं यार, अभी अचानक से ठंड बढ़ सी गई है एकदम से। अच्छा तू गेम का सुन, सबसे पहले जमीन पर एक सॉल्ट का गहरा बनाओ, ओके, और उसके चारों ओर जितने लोगों को गेम खेलना है उतनी कैंडल्स रखो, फिर सारे प्लेयर्स के नाम एक एक पेपर पर लिख कर उस सॉल्ट के घेरे में डाल दो। भाई कुछ काला जादू सा नहीं लग रहा है? और उस पे ये बंदी लिखती है, और चिट्स डालते टाइम अपने हाथ जलाना। भाई फनी होने का ट्राई कर रही है। आरोही, तुझे पूरी बात सुनना है या नहीं? हाँ सुना। आरोही, फिर सबको साथ मिलकर ये लाइंस रिपीट करनी है, वी आर बोर्ड, वी वॉन्ट टू प्ले बट नो सिंपल गेम ऑफ एवरी डे, वी इन्वाइट यू एज वी स्पीक, कम टू अस, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। व्हाट, भाई मैं नहीं बोलने वाला ये लाइन कभी भी अकेले में, मैं भूत के साथ हाइड एंड सीक क्यों खेलनी है। एंड उस पर ये लड़की लिखती है, बड़ी अच्छी पोयम है, एक बात बता, ये डीमन सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं क्या, मछली जल की रानी है पोयम से नहीं आए। आरोही, पता नहीं तू ट्राई करके देखना। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, फिर आगे क्या। आरोही, और हाँ ये सब करते टाइम याद रखना घर में सिर्फ कैंडल्स से रोशनी हो, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्ब्स, मोबाइल, टीवी एटसेट्रा ऑफ हो, यहाँ तक कि टॉर्च भी नहीं। एंड उस पे लड़की पूछती है, दिए जला सकते हैं क्या? आरोही, पता नहीं शायद हाँ, कैंडल्स और दिए की लाइट में फर्क ही कितना है। एक बात बता, तुम लोगों को डर नहीं लगता अगर सच में कोई इविल एंटिटी आ जाए तो? वही ना भाई, मैं तो कभी ना करूँ ये सारी चीजें। आरोही, अभी तो तू ही कह रही थी कि तू सुपरस्टिशियस नहीं है, इन सब मैं बिलीव नहीं करती, और अब ये कह रही है? भाई देखो मैं तो बिलीव करता हूँ भाई, मेरी फटती है मुझे पता है। एंड उस पे ये बंदी लिखती है, हाँ फिर भी आई एम जस्ट कंसर्न्ड फॉर यू गाइस। आरोही, लेकिन कुछ नहीं हुआ, गेम के हिसाब से वो पोयम बोलने के कुछ टाइम बाद हमें घर में अपने अलावा किसी और की प्रेजेंस फील होगी। ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें देख रहा है और वो हमें नजर ना भी आए तो हमें वो फील कर सकते हैं, या फिर कोई हल्की सी आवाज, टेम्परेचर का अचानक से कम हो जाना, यू नो ओवरऑल क्रीपी वाइब्स ऐड हो जाती हैं माहौल में, तब समझना कि गेम स्टार्ट हो चुका है। व्हाट, अभी गेम स्टार्ट हुआ है भूत के आने के बाद, फिर एक्चुअल गेम क्या है? भाई सही में डरावना है यार। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, और फिर क्या। भाई यही मेरा क्वेश्चन है यार, सबके पास सॉल्ट की इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि वो अपने चारों ओर सॉल्ट का सर्कल 2-3 बार ड्रॉ कर सके, जैसे ही गेम स्टार्ट हो सब घर के अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और बचने की कोशिश करेंगे।
जब भी तुम्हें फील हो कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें कोई दिखाई ना दे, तो इसका मतलब है कि वो इविल एंटिटी जिसे तुमने बुलाया है वो वही है और तुम्हें ही ढूंढ रहा है। शिट यार कितना क्रीपी है। उस पे ये बंदी लिखती है, मतलब अब मैं सॉल्ट सर्कल के अंदर सेफ हूँ? आरोही, हाँ लेकिन सारी रात उसमें ही थोड़ी ना रोक सकते हैं। वह डीमन एक एक करके सारे प्लेयर्स के पास जाएगा और जिसको भी सर्कल बनाने में देरी हो गई वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे करते करते जो सुबह तक बचेगा वही विनर होगा। भाई व्हाट, इसमें तुम्हें फर्क पड़ता है कौन विनर होगा? तुम्हारे दोस्त ले गया डीमन। और फिर सुबह वो सब चिट्स जिन प्लेयर के नेम्स लिखे थे वो जला दो, सारा सॉल्ट पानी में मिलाकर फ्लश कर दो और गेम खत्म। ओके, उस पर ये लड़की लिखती है, अच्छा तुम लोगों को कोई इविल प्रेजेंस फील हुई थी क्या? आरोही, हाँ थोड़ा सा तो लगा था, आहट टाइप की आई थी, लेकिन उतने में मम्मी पापा घर आ गए तो हम लोगों का गेम स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो गया। उन्होंने मुझे सारी फ्रेंड्स के सामने डांट दिया और सबको ऊपर जाकर सोने भेज दिया। भाई सही किया, भाई बच्चे कुछ भी गेम खेल रहे हैं यार। एंड भाई लड़की लिखती है, सही किया उन्होंने, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आरोही, और तो और सारा कुछ मम्मी ने साफ किया तो नेम्स की चिट, सॉल्ट, कैंडल सब कुछ फेंक दिया, अब दोबारा खेलना हो तो वापस से लाना होगा। एंड उस पे ये लड़की हंस रही है। भाई मेरे को एक्चुअली डाउट है, क्या पता गेम स्टार्ट हो गया हो एंड अब इनके पास सॉल्ट वो सब भी नहीं है फ्लश करने के लिए एंड जलाने के लिए चिट्स। लेट्स सी भाई आगे क्या होता है। इसलिए मैं नहीं आई थी कल तेरे यहाँ, लेकिन अच्छा होता अगर आती, तुझे सबके सामने मम्मी पापा से डांट खाते देखने मिलता। आरोही, नॉट फनी। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, बाकी कौन कौन था वहाँ? आरोही, नेहा, काजल और काजल की छोटी सिस्टर थी बस। अच्छा चल मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है मम्मी फिर छत का गेट लगाना भूल गई, बार बार आवाज कर रहा है। एंड इस पे ही लड़की लिखती है, ओके बाय, बेवकूफी कम किया कर। लाफिंग इमोजी। ओके आफ्टर मिडनाइट, ओके रात के 12 बजे के बाद। ओके आरोही का मैसेज आया हुआ है, मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुझे, तू रिसीव क्यों नहीं कर रही है? और उसने कॉल भी किया हुआ है, प्लीज यार कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई बंदी रात में मैसेज कर रही है। एंड उस पे ये बंदी लिखती है, अरे यार रात के 12:30 बज रहे हैं, सो रही थी मैं, जब भी जल्दी सोने का ट्राई करो तभी डिस्टर्ब करती है तू, क्या हुआ? तू ठीक है ना? अब मैं कॉल कर रही हूँ तो तेरा नंबर बिजी जा रहा है, क्या हुआ? आरोही, मेरी अभी अभी काजल की सिस्टर से बात हो रही थी, काजल मिल नहीं रही है कहीं। एंड उस पे लड़की लिखती है, क्या मतलब मिल नहीं रही है, कहाँ गई वो? आरोही, कल रात के बाद से ही हम सबके साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, मुझे अजीब आहट सी आ रही थी दिन भर पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी जब काजल की सिस्टर से बात हुई तो उसने बताया कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे लग रहा है कि ये सब कल के गेम का नतीजा है। भाई मैं बोल रहा था कुछ हुआ है और खेलो गेम, बट भाई अभी मेरे को और जानने का हो रहा है कि आगे क्या होगा, लेट्स सी। अरे यार कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो, वहाँ एक लड़की गायब है और तुम्हें किसी स्टूपिड रिचुअल को ब्लेम करना है, वो वहीं कहीं होगी। एंड इस पे आरोही लिखती है, नहीं वो नहीं है घर पर, अभी आधा घंटा पहले तो थी वहीं, वो दोनों साथ में थी और सोने ही जा रही थी, जैसे ही काजल की सिस्टर ने लाइट ऑफ की उसे काजल की चीख सुनाई दी, उसने तुरंत लाइट ऑन की लेकिन काजल वहाँ नहीं थी, मुझे लगता है कि वो हाइड एंड सीक डीमन उसे ले गया। भाई क्योंकि उसने जब वो लाइट वगैरह ऑफ करनी होती है ना तो लाइट ऑफ की तभी ले गया वो, तभी ले जा सकता है वो। ओके समझा। एंड उस पे ही लड़की लिखती है, अरे यार तुम भी ना काजल की सिस्टर को कॉल करो और बोलो कि वो एक बार फिर से घर पर चेक करे और काजल वहाँ ना हो तो तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे। आरोही, ओके मैं उसे कॉल करती हूँ, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि वो भी गायब हो गई है। What? And उस पे ये लड़की लिखती है, ऐसे कैसे हो सकता है, जब कल रात तक कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे। एंड उस पे आरोही लिखती है, क्योंकि हमने रिचुअल के बाद वो नेम्स की चिट नहीं जलाई थी, ना ही सॉल्ट को पानी में बहाया था, मे बी इस वजह से वो डीमन वापस गया ही नहीं।
यप यही तो सोच रहा था मैं। और उस पे ये लड़की लिखती है, और तुम्हें लगता है कि वो सारा दिन बस तुम लोगों का पीछा कर रहा था, तब उसने कुछ क्यों नहीं किया। एंड इस पे आरोही लिखती है, गेम सिर्फ रात के 12 से सुबह सनराइज तक ही चलता है और सिर्फ अंधेरे में खेला जाता है, इसलिए शायद कल से आज तक उस डीमन को हम पर अटैक करने का टाइम नहीं मिला और आज रात वो हम सबको लेने आ रहा है। रात का 1 बज रहा है, ये सारी चैट हो रही है भाई, बहुत ज्यादा क्रीपी है। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट अगर ऐसा ही है तो तुम लाइट्स में ही रहो, फोन बल्ब एटसेट्रा ऑफ मत करना, तुम ठीक तो हो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही हो। आरोही, ओ नो, ओ माय गॉड, मैं मरने वाली हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, वो डीमन मुझे ले जाएगा। फॉर क्या हुआ, तुम्हें वो दिखा क्या। एंड उस पे आरोही लिखती है, नहीं लेकिन मेरे घर की लाइट चली गई है, बाहर भी किसी की नहीं है, लग रहा है सारे एरिया में पावर कट हुआ है। भाई कितना गलत टाइम है ये। उस पे लड़की लिखती है, हाँ तुम्हारे एरिया में तो काफी दिन से ये बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाने की प्रॉब्लम हो रही है। आरोही, मेरी किस्मत बहुत बेकार है, अब मैं नहीं बचूंगी। एंड उस पे ये बंदी लिखती है, प्लीज ऐसे मत बोलो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनके साथ में रुको जब तक लाइट नहीं आ जाती, मोबाइल तो है ना लाइट के लिए तुम्हारे पास अभी। आरोही, हाँ मैं किचन में जा रही हूँ सॉल्ट लेने। भाई बेस्ट, भाई मैं यही सोच रहा था, मैं सॉल्ट का सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, अचानक से बहुत ठंड बढ़ गई है। भाई इससे ज्यादा क्रीपी और क्या हो सकता है। उस पे लड़की लिखती है, ओके ओके तुम सॉल्ट का प्रोटेक्टिव सर्कल बनाकर उसमें बैठो। आरोही, मुझे किचन में अंधेरे में सॉल्ट नहीं मिल रहा है, मैंने मम्मी पापा को आवाज लगाई लेकिन शायद वो सो रहे हैं, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। जी भाई, ओ नो, ओके ओके मुझे सॉल्ट मिल गया, ओके इसको सॉल्ट मिल गया। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, थैंक गॉड, प्लीज अब उसका यूज करो, प्लीज गॉड प्लीज, बन गया सर्कल, उसी में हो ना। आरोही, मैं कॉल करूं क्या तुम्हें, उससे मोबाइल की लाइट में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ना, प्लीज यार ये मजाक तो नहीं है ना। भाई बंदी डर चुकी है ये वाली। अंजू, बेटा मैं आरोही की मम्मी बोल रही हूँ। व्हाट, आरोही किधर गई, हम लोगों को किचन में उसके चिल्लाने की आवाज आई तो हम उठकर आए लेकिन वो यहाँ नहीं है, यहाँ किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारा फर्श पर नमक फैला है, आरोही का मोबाइल भी ऐसे उल्टा पड़ा मिला, ये चल क्या रहा है यहाँ बेटा, और तुम किस सर्कल की बात कर रही हो। भाई व्हाट, इसके साथ कुछ हो गया। आंटी, वो आरोही को ना, वो एक डीमन होता है, वो हाइड एंड सीक गेम खेलते। एंड उस पे आंटी लिखती है, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस अंजू, बेटा आरोही मिल नहीं रही है घर पर, उसके पापा और मैं उसे ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है वो कहाँ है, वो अभी अभी तुमसे ही बात कर रही थी ना। भाई शिट, भाई लड़की बोल नहीं पा रही, आंटी वो समझ नहीं आ रहा उसे मैं क्या बोलूं। उस पे आंटी लिखती है, तुम्हें पता है इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है, बेटा वो मिल नहीं रही है घर पर, तुम्हें कुछ तो पता होगा ना। एंड उस पे ये लड़की लिखती है, नो। भाई सारी लड़कियां गायब हो गई। भाई मैं कभी नहीं खेलने वाला ऐसा कोई भी गेम, मैं वीडियो के लिए भी नहीं खेलूंगा, बट भाई स्टोरी तो मस्त थी, लाइक इतनी ज्यादा क्रीपी, लाइक व्हाट। ओके सो आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो चुका है, एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब, एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।